बुर्का पहनकर डांस करने पर कॉलेज छात्रों को किया गया सस्पेंड, वीडियो वायरल। कर्नाटक के मंगलुरु में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के 4 छात्रों को बुर्का पहनकर डांस करने के मामले में सस्पेंड कर दिया गया। आरोप है कि छात्रों ने बुर्का और हिजाब का मजाक उड़ाया। आपको बता दें कि कॉलेज में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें 4 छात्रों ने बुर्का पहनकर बॉलीवुड गाने पर डांस किया। डांस का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला सेंट जोसेफी इंजीनियरिंग कॉलेज का बताया जा रहा है। इस कार्यक्रम के वायरल वीडियो में चारों लड़कों को बुर्का पहने फेविकोल से और अन्य गाने पर डांस करते देखा जा सकता है। कई लोगों ने एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए बुर्का पहनकर लड़कों को डांस की अनुमति देने के लिए कॉलेज प्रशासन की आलोचना की है। बुर्का और हिजाब का मजाक उड़ाने के आरोपों पर कॉलेज प्रबंधन की ओर से सफाई दी गई है कि चारों छात्र अचानक स्टेज पर चढ़ गए और डांस करने लगे। इस दौरान छात्रों को उतरने का निर्देश दिया गया लेकिन वो डांस करते रहे। कॉलेज प्रबंधन ने कहा कि छात्रों ने सख्त दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया। कॉलेज के प्राचार्य ने अपने बयान में कहा कि कॉलेज उन गतिविधियों का समर्थन नहीं करता जो समुदायों और सभी के बीच सद्भाव को नुकसान पहुंचा सकती हैं। कॉलेज ने कहा कि छात्रों को जांच लंबित रहने तक उन्हें निलंबित कर दिया गया है। कॉलेज प्रबंधन ने बाद में एक बयान भी जारी किया जिसमें कहा गया कि कैंपस में हर कोई जानता है कि इस संबंध में सख्त दिशा निर्देश लागू हैं। कॉलेज द्वारा दी गई इस सफाई के बाद सोशल मीडिया पर भी यूजर्स की अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। TV9 भारतवर्ष से जुड़े पत्रकार गौरव अग्रवाल ने लिखा, कर्नाटक के मंगलुरु में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ लड़के बुर्का पहनकर डांस करते स्टेज पर पहुंच गए और जमकर डांस किया। सभी कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया। कपिल त्रिपाठी नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, अब इनकी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है क्या? आदित्य सिंह नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, कर्नाटक का फैसला काबिले तारीफ है। आपको बता दें कॉलेज स्टूडेंट्स को सस्पेंड किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया। कई यूजर्स ने वीडियो को शेयर किया और कहा कि बुर्का पहनकर डांस करना गलत नहीं है। वहीं कई सोशल मीडिया यूजर्स ने डांस को गलत बताया क्योंकि उनका मानना था कि इसमें अश्लील स्टेप्स थे। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हर खबर की अपडेट आप तक पहुंचे।